वैसे मानना पड़ेगा भैया, ये सीरियल वालों का शादी का बजट कमाल होता है। थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए, हम भी थोड़ा सा क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे तामझाम। अब देखिए ना, सीरियल परिणीति में परी की बहन की शादी है और उसके फंक्शंस है कि चले जा रहे हैं, और इस बीच नीति और परी के बीच में टशन भी चले जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि परी ने लगे हाथों राजीव और परी का रोमांस भी एक्चुअली हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए, आपका और हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो सन्नू की शादी को जितना लंबा खींचना है खींचे जाइए। बार जब जज्बात अल्फाजों से समझाए ना जा सके तो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अब पार्वती ना चाहते हुए भी राजीव के करीब आ ही जाती है, क्योंकि उसका दिल तो अभी तक राजीव से प्यार करता है। फिलहाल पार्वती का मकसद दलजीत और बबली की शादी रोकना है, क्योंकि पार्वती जानती है कि बबली दलजीत से शादी नहीं करना चाहती और नीति ने बबली को अपने जाल में फंसा लिया है। इसीलिए तो पार्वती राजीव के पास जाती है। अब पार्वती बबली और दलजीत की सगाई तो नहीं रोक पाई, लेकिन वो चाहती है कि राजीव बबली और दलजीत की शादी रोके। दलजीत ना बबली और दलजीत की एक फेक वीडियो बना लेता है और वो मेरी बड़ी माँ, मेरे वीर जी, उन सबको दिखा देता है, उससे वो ब्लैकमेल कर रहा है। सो अभी बबली पे ये प्रेशर है कि उसे घर की इज्जत बचानी है, बिकॉज सबको तो लग रहा है बबली ने ही किया है, बबली गलत है इसमें। बट बबली को भी याद नहीं है कि उसने किया है नहीं किया है व्हाटएवर, बट दलजीत और नीति वो वीडियो से ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए ये सगाई हो रही है और इसलिए बबली भी मना नहीं कर पा रही। अब यहाँ बबली नीति और दलजीत की जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, तो वहीं नीति भी जानती है कि बबली को बचाने के लिए पार्वती कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। नीति तो यही चाहती है कि बबली को बचाने के चक्कर में पार्वती कुछ ऐसा कर जाए जिससे उसका सच सभी के सामने आ जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।